पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे माफिया मुख्तार अंसारी का 63 साल की उम्र में गुरुवार को बांदा जेल में मौत हो गई। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था और दिल का दौरा पड़ने पर कल शाम 8:25 पर उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती कराया गया था। मुख्तार अंसारी को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज शुरू किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसे बचाने का भरसक प्रयास किया गया लेकिन मुख्तार को नहीं बचाया जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद उसका बेटा उमर भी देर रात बांदा पहुंचा। बांदा पहुंचे उमर ने पिता की मौत के बाद जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्तार अंसारी के शव का आज पोस्टमार्टम होगा। जब माननीय न्यायालय में बता रहे हैं माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में बैठ गए। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल की, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन सब कुछ हुआ है को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने।